किरण जाधव भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज कोई ट्रेड आपने इनिशिएट किया क्या मार्केट खुलने के बाद? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। दो तीन स्टॉक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पहला तो बायोकॉन, बहुत ही बेहतरीन मूव पहले ही 15 मिनट में देखने को मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा था पिछले 10 दिनों से, और उस कंसोलिडेशन में भी हम छोटे छोटे हायर टॉप हायर बॉटम करते नजर आ रहे थे, तो अभी भी बाय करने की सलाह होगी। करीबन स्टॉप लॉस आपका 862 का रखना चाहिए, और टारगेट्स के लिए अगर आप आज के टारगेट देख रहे हैं तो 885-887 देखने को मिल जाएंगे, पर अगर आप 15-20 दिनों का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो इजीली हम 4-digit फिगर में जाते हुए देखेंगे। तो मेरा मानना है कि इधर एक बहुत बेहतरीन ट्रेड बनता नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक होगा IGL। IGL में भी एक बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, एक 5 दिनों का अच्छा कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, और अगर इन जनरल स्टॉक देखते हैं तो बहुत ही अच्छे डिमांड जोन में है। तो मेरा मानना है कि इधर भी एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 691-692 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और टारगेट्स के लिए 705-708 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए, तो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी ये स्टॉक्स बैठ रहे हैं।